मुंबई में बेस्ट ने नई हाइब्रिड बस सर्विस की शुरुआत की है। इस बस से न सिर्फ पॉल्यूशन कम होता है बल्कि इसमें यात्रा करना भी काफी आरामदायक है। बस में सफर किया मेरे सहयोगी राहुल ने। गर्मियों में लोगों को राहत देते हुए बेस्ट ने हाइब्रिड बसेस स्टार्ट की है। पिछले साल लोगों को काफी दिक्कत हुई थी क्योंकि लॉन्ग रूट पे बेस्ट ने एसी बसेस बंद कर दिया है। हमारे साथ है प्रवीण शिंदे जी जो हमें बताएंगे कि कौन कौन से रूट पे ये बसेस स्टार्ट की गई है। हम लोग 23 बसेस चला रहे हैं लॉन्ग रूट पे। सुबह पिकअप पॉइंट जो बोरीवली से बस शुरू होता है, जलवायु विहार, खारघर, हीरानंदानी, थाने और एमपी चौक मुलुंड, यहाँ से हम लोग सुबह बोरीवली से 5 ट्रिप और बाकी तीनों पॉइंट से 4 ट्रिप लाते हैं। बीकेसी में पैसेंजर्स को छोड़ते हैं, फिर 9 से शाम को 7 बजे तक शटल सर्विसेज चलता है जो बांद्रा रेलवे स्टेशन, सायन रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन वेस्ट से कनेक्टेड टू बीकेसी है। इन बसों में क्या क्या खासियत है आप बता सकते हैं हमें? इन बसेस में सीसीटीवी कैमराज है, एक ड्राइवर केबिन में रखा हुआ है, एक सलून में है और पीछे रेयर व्यू के लिए ड्राइवर के लिए है। फिर एयर कंडीशनड सर्विस है, फिर पीआईएस है और वाईफाई है बस में, फिर हैंडल्स है, फिर लो फ्लोर बस है, ये हैंडीकैप लोगों के लिए भी सुविधा है। इसमें हैंडीकैप्ड का जो चेयर है उसके लिए लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है और अतिशय सुविधाजनक स्थिति में वो बस में से उतर सकता है, चढ़ सकता है। मोबाइल चार्जर्स भी रखे हुए हैं, डस्टबिन है, बारिश के सीजन में किसी को अम्ब्रेला रखना है तो उसके लिए भी सुविधा बनाई हुई है। फेयर्स कितने लगेंगे आप हमें बता सकते हैं? फेयर इसमें मिनिमम 16 रुपीज फेयर है और फीडर रूट पे मैक्सिमम 26 रुपीज फेयर है और लॉन्ग रूट्स पे जो है वो मैक्सिमम 110 रुपीज खारघर के लिए फेयर है, बोरीवली के लिए 94 रुपीज है और मिनिमम 16 रुपीज ही फेयर है। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र सरकार ने बेसिकली और हम सबके लिए अच्छा ही है, इट्स ऑल गुड फॉर अस। बस स्पेसियस है, जगह फुल है और बाहर का व्यू अच्छा दिख रहा है और इस बस में बैठने के बाद सिंगापुर याद आ रहा है। बेस्ट जो है लगातार नुकसान में जा रही है, करीब करीब 880 करोड़ का नुकसान हुआ था बेस्ट को पिछले साल। बेस्ट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पैसेंजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।